दूं इस गर्मी में जो कि हसरा है लेकिन उससे पहले हम बढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ यूएसए के एक बड़े से रेस्टोरेंट में एक बड़ा सा बिजनेसमैन आया खाना खाने के लिए हैरान उसने लोगों को तब किया जब उसने लेडी वेट्रेस को चार हजार डॉलर जी हां पाकिस्तानी ग्यारह लाख रुपए की टिप दे दी उससे भी हैरान कौन वो लड़की जब उसको टिप मिली शेजी सोचो तुम्हें कोई ग्यारह लाख रुपए टिप दे दे वो लड़की हैरान हो गई उससे भी हैरान कुन बात तब हुई जब रेस्टोरेंट ओनर ने उस लड़की को निकाल दिया अब ये सोचना पड़ेगा कि ये उसकी खुशकिस्मती थी या फिर बदकिस्मती अब बढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ इंडियन सिंगर स्टेबिन बेन का कहना है कि उनकी आवाज आतिफ असलम से मिलती है स्टेवन भाई बात यह है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी आवाज आतिफ जैसी है जरा उनकी तरह गा के तो देखें मोस्ट ऑफ द ट्विटर वोंट नो ड्राई ह्यूमर एंड सार्कैजम यह कहना है उष्ना शाह का उष्ना ट्विटर भी इंसान ही इस्तेमाल करते हैं ना मुझे नहीं पता कि मीरा जी हैं ही ऐसी या फिर बनती हैं ये कहना है आमना इलियास का भाई मैं तो समझती हूँ कि मीरा जी ऐसी बनती हैं है नहीं आपका क्या ख्याल है Why nobody talks about the pressure on female actresses when they get married? मैंने सोच समझ कर फैसला किया था कि मैं उस क्लास का हिस्सा हरगिज नहीं बनूंगा जो स्टेटस कॉन्शियस है ये कहना है वसीम बदामी का लेकिन आप तो खुद स्टेटस की एक अजीम मिसाल बन चुके हैं वसीम माया ने एक बार फिर अली को अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाकर कर दिया है सबको दंग ये क्या चक्कर है हर एक्ट्रेस वहाज अली की तस्वीर लगा रही है कुचेला में परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है लेकिन हमने इस खबर को ज्यादा भाव नहीं दिया ये कहना है यासिर हुसैन का अली सेटी की, की परफॉर्मेंस पर भाई हम भी समझते हैं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है है और हमारे लिए इटालियन टाउन पोर्टोफिनो में एक टूरिस्ट को जुर्माना हुआ दो का यानी अगर आप कहा जाए तो चौबीस हजार सात सौ सतहत्तर पाकिस्तानी रुपए बनते हैं सोचो शेजी अगर तुम्हें जुर्माना हो जाए सेल्फी लेने पर तो तुम्हारा क्या बनेगा बिल्कुल इसी ढोल की तरह इसको पीटा जाएगा इसकी बीवियों से दोनों बीवियों से लॉन्च विद जंग कुक सायरा यूसुफ का कहना है कि उनकी बेटी बीटीएस की इतनी बड़ी फैन है कि वाटर बॉटल भी बीटीएस की ही प्रिंटेड यूज करती है अब इसमें तो कुछ गलती आपकी होगी सायरा मुझे उम्मीद है कि शान शाहिद ने अपनी ओपिनियन देने से पहले मेरी फिल्म देख ली होगी यह कहना है फैसल कुरैशी का। बुशरा अंसारी ने मुलाजमा की तरफ से तोहफे में मिला हुआ सूट पहनकर इंस्टा पर स्टोरी और तस्वीर दोनों लगा दी क्या बात है बुशरा आपकी नॉट एन एक्सीडेंट इफ इट looks सो so गुड ये कहना है आसिम अजहर का अपनी मीरब अली के खूबसूरत से हेयर कट पर मैं अपने हस्बैंड को अपने रिलेशनशिप में खुद से सुपीरियर देखना चाहती हूं यह बयान है गाना अली का वैसे पर्सनली मैं भी ऐसा ही सोचती हूं लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक कम बैक आफ्टर इट। क्राइम को बुलाने का यानी मैं बुलाने जा रही हूं अल्लाह का और सुनाओ क्या सुना बड़ा डिफरेंस है स्टाइल बनाया थैंक यू अच्छा लग रहा है हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है और तुम्हारा ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है बताओ आज क्या तैयारी आज तैयारी तो बहुत अच्छी है क्योंकि मेहमान ही मेरे पास कुछ ऐसे हैं। सवाल तैयार कर लो क्योंकि मेहमान बड़े तगड़े आने वाले बिल्कुल सासा चिप्स कहोगे सासा सवाल तैयार करोगे <laughs> <laughs> चलो तुम फिर अपनी पोजीशन लो और मैं बुलाने जा रही हूँ

और वो ऐसी डिसअपॉइंटमेंट है कि सोशल मीडिया पे पहले हमारे पास ना ऐसा एक वो होती थी एज रिस्ट्रिक्शन या एज ग्रुप okay. या फिर जब हमें हमारे घर में हमारे बड़े हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे होते थे कि फ़ोन बच्चों को यूज़ करने की चीज़ नहीं है तो हम उसको बड़ा बुरा समझते थे और मुझे अपना भी पर्सनल एक चीज़ याद है कि जब मुझे मामा या बाबा घर में कहा करते थे तो उनको कहते नहीं इसमें क्या है मैं तो फ़ोन पर वैसे ही बस देख रही हूँ चीज़ें तो वो जो हमारा पेरेंट्स का आई गेस कंसर्न था ना वो बड़ा एक्यूरेट था और कुछ सालों बाद वो मैंने खुद देखने को अब मुझे मिल रहा है कि वो सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीज़ें आ रही है वाकई बच्चों का काम फ़ोन में है ही नहीं अब यानी पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया के ऊपर और अगर हम समझते हैं कि बच्चों को बेलाग छोड़ देना चाहिए सोशल मीडिया के साथ तो ये बहुत बड़ा जुल्म है उनके साथ और मैंने देखा है इस तरह की मदर्स को या इस तरह के पेरेंट्स को सिर्फ मैं मदर्स को ही नहीं पॉइंट आउट करूंगी क्योंकि इसमें पेरेंट्स दोनों का ही हाथ होता है बच्चों को कंट्रोल दोनों का काम है तो मैंने देखा है इस तरह के बच्चों को जो 24/7 सेवन जिनके हाथ के बीच में मोबाइल है और उसके ऊपर या तो यूट्यूब देख रहे हैं और पहले तो था कि यूट्यूब पे सिर्फ कार्टून देख रहे हैं अब तो कुछ बच्चे टिकटॉक से भी इतने एडिक्टेड है कि वो टिकटॉक पे उनकी वीडियो स्क्रोल कर रहे हैं डिफरेंट टिकटॉक्स की या फिर वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं मतलब वो कार्टून से और वो कोकोमेलन से बात बहुत आगे निकल के चली गई एक्चुअली जितना वक्त आगे जा रहा है उतना अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है तो ये इसकी वजह से भी है। और बच्चों के इंटरेस्ट भी बड़े, बड़े बदल गए हैं पहले जो बच्चे कार्टून में या हम तो टॉम एंड जेरी देख लिया या कोई इस तरह की चीज देख ली जो बच्चे पहले इस तरह की चीजें देखते थे अब उनका इंटरेस्ट ज्यादा बॉलीवुड के या किसी और तरह के गानों में और इस तरह की चीजों में ज्यादा बढ़ गया या टिकटॉक में ज्यादा बढ़ गया अब तुम कहना क्या चाह रहे हैं कहना फिर अगेन यही चाह रही हूँ फिर मुझे लोग कहेंगे टिकटॉक के ऊपर हमेशा बात की जाती है शो में और ये वो लेकिन टिकटॉक के ऊपर हमारे पास मुझे अभी स्टिल याद है जब मैं अपनी कभी कोई वीडियो लगा देती होती थी टिकटॉक पे तो उसमें से अक्सर सॉन्ग्स रिमूव हो जाना या उसके ऊपर से साउंड रिमूव हो जाना और वो उसके ऊपर आता था कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन से मैच नहीं करता ओके okay. हालांकि टिकटॉक पे इस इस तरह की वीडियोस आयशा आज तक लग रही है मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम होता होगा कि आप देखें उसको अच्छा क्या? किसी टिकटॉक्कर ने आपसे शिकायत की है क्या क्यों किया आपने मेरे बारे में बात टिकटॉकर ने शिकायत तो की ही की है लेकिन वो देट दैट वाज़ अ होल मेस ऑन सोशल मीडिया एज वेल कुछ दिनों पहले कि मतलब? इस तरह हमारे पे बात कर दी या जो भी आई वी वर टॉकिंग अबाउट जन्नत तो उसके बाद वो काफ़ी मेस था उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कि आपने बात कर दी और आपने ये कर दी लोगों ने बस ये देख के चढ़ाई करनी शुरू कर दी कि बात क्या हुई है हाँ. उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था उसके पीछे की बात क्या थी उसको किस वजह से डिस्कस किया जा रहा था वो किसी 20 okay. तो शायद डिस्क्रिमिनेट किया गया इस चीज को या क्या किया गया बट आई टूक इट इन वेरी पॉजिटिव वे एंड आई जस्ट इग्नोर्ड एवरीथिंग और मैंने उसको इतना I I right. okay. अपनी नर्व्स के ऊपर सवार नहीं किया जगह है, सारा कुछ अपनी जगह है लेकिन एक जो होता है ना वो हक की बात करना या बात है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए वो तो आपको और मुझे और अलायका को भी अपने काम में लेना चाहिए और बड़े तो बड़े से आर्टिस्ट को भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो लेना चाहिए इवन की हम तो इस तरह की कोई बात अपनी तरफ से कर भी नहीं हम तो वो वाली बात कर रहे थे जो लोग कर रहे थे कॉमेंट सेक्शन में सही और वही वाले लोग सबसे मजे की बात है जो मैं करूंगी इस वक्त के वही वाले लोग जो उनको वो बातें पहले कर रहे थे ना जब उन्होंने ये वाली न्यूज देखी ना वायरल होती हुई है उसको फ्लोट होते हुए देखा सोशल मीडिया पे तो उन्हीं लोगों ने जो उनको पहले बातें कर चुके थे वो हमारी तरफ आ गए सारे आपने बात की है आपने उनको हेट फैलाया आप लोग हैं कौन उनकी पर्सनल लाइफ में बोलने वाले मैं उनसे सारों से ये पूछना चाहूंगी कि जब आप लोग वो सारी बातें कर रहे थे तो आप लोगों का ये वाला दिमाग कहाँ पे था उस वक्त <laughs> जो हमारे हमें बोलने के लिए अच्छा फिर कहते आप लोग तो हंस रहे थे उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे थे हम ना ही हंस रहे थे ना ही मजाक उड़ा रहे थे ना ही हम चैनल पे अगर हम एक चैनल के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई स्पेशल अटेंशन की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी वो कितने लाखों और हर दुनिया के कोने से लोग देख रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो वी नीड समन टू गेम टू गेन द शो या कुछ अच्छा, इस तरह कहने का मतलब मोमिना का शायद ये मैं थोड़े आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इन बातों को करने से इस शो को फेम नहीं मिलेगा नहीं ये शो मिलेगा अपने और ये प्लेटफॉर्म अपनी जगह कायम है ये बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि आपका समाज पर बहुत एक इम्प्रेशन पड़ रहा है और हाँ इन्फ्लुएंजर्स को, को एक खास तरीके से चलना चाहिए अपनी जिंदगी को लेकर और चीजों को लेकर इतना बोलली पहले आगे नहीं बढ़ना चाहिए और अगर बढ़ जाते हैं तो फिर उसे फेस करना चाहिए पहले हमारे आइडियल होते थे कोई हमारे ही पुराने कोई Heroes बड़े बड़े अच्छे लोग होते थे या हम कह देते थे हमने वो उसकी तरह बनना है आजकल की हमारी जनरेशन तो है ही ऐसी वो देख के इन्फ्लुएंसर्स को देख के हो रही है कि हमने बड़े होकर ये करना है तो जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो वो उनके ऊपर भी तो एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना इट्स नॉट अबाउट योर पर्सनल लाइफ की हम आपकी पर्सनल लाइफ बैठ के डिस्कस करे थे आपने उसको पर्सनल छोड़ा ही नहीं सोशल मीडिया पर डाल के सही तो जब आपने उसको सोशल मीडिया पर डाला है तो उस पर बात भी होगी उस पर क्रिटिसिजम भी होगा जो आपके फैन है उसको अच्छा भी बोलेंगे जो आपके

ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है यानी जो अभी अपकमिंग जनरेशन है बच्चे हैं जो उनमें जरा सोशल मीडिया का उतना रुझान ना हो जितना के अब बनता नजर आ रहा है बहुत ज्यादा बनता नजर आ रहा है सोशल मीडिया इज गेटिंग वेरी डीप सिर्फ बच्चों को ही नहीं कुछ हमारे टीन भी इस तरह के होते हैं जो इतने मेच्योर इनफ नहीं है अभी और वो भी अगर टिकटॉक पे इस तरह की चीज देख रहे हैं तो वो उसको नॉर्मलाइज़ करना शुरू करें उनके घरों में वो बातें या उनके घरों में उनके पेरेंट्स के सामने किसी बड़े के सामने उस तरह की बातें होंगी तो वो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल होगी क्योंकि वो तो उसको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं विदाउट एनी हेजिटेशन वीडियोस लगी फिल्टर नहीं है मिलियन ऑफ व्यूज है उसके ऊपर उसके ऊपर कमेंट्स है उसको लोग पसंद कर रहे हैं तो फिर वो क्यों उसको बुरा जाने किसी स्पेशल वीडियो की बात कर रही हूं। मैं किसी स्पेशल वीडियो की बात आयशा यहाँ पे कर ही नहीं सकती क्योंकि आप टिकटॉक पे खोले और अगर दो लोग एक वीडियो बना रहे हैं लड़का और लड़की पहले तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ओल्ड स्कूल कुछ लोग मुझे कहेंगे आई एम बींग ओल्ड स्कूल विद डेट कि मैं ये बोल रही हूँ लेकिन लड़का और लड़की में वीडियोस बनाने में कोई मसला नहीं है लेकिन आप जिस तरह की वीडियोस बना रहे हो ना उसका दूसरों पर क्या इंपैक्ट पड़ा है प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम इज नॉट मेकिंग वीडियोस टुगेदर बहुत अच्छी बात की है मोमरा ने कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या कॉन्टेंट बना रहे हैं प्रॉब्लम यह है कि जो कॉन्टेंट आप बना रहे हैं उससे आवाम पे इंप्रेशन क्या आ रहा है इसी खूबसूरत मैसेज के साथ वी टेकिंग ब्रेक स्टे अस चॉकलेट टाइम्स और अलैका क्या तुम्हें पता है आज कौन आने वाला है जी बिल्कुल आदित्य पता है कि चॉकलेट टाइम पे धमाके होने वाले हैं <laughs> आज जो हमारे गेस्ट हैं वो वाकई धमाकेदार हैं बल्कि उनका नाम कामयाबी का जामन समझा जाता है वो ऐसे इंसान हैं उनके पास जादुई कलम है वो जो लिखते हैं हर दिल की जुबां बन जाता है वो हमें हंसाते भी हैं रुलाते भी हैं उन्होंने इस मुल्क के नामवर प्रोजेक्ट्स को डायरेक्ट भी किया है लिखा भी है बल्कि मैं ये कहूं कि उन्होंने उसमें एक्ट भी किया है लंडा बाजार प्यारे अफजल लव लाइफ और लाहौर सत के तुम्हारे मेरे पास तुम हो पंजाब नहीं जाऊंगी लंदन नहीं जाऊंगा अगर आप अभी तक नहीं समझे तो फिर आप बहुत नासमझ हैं क्योंकि मैं बात कर रही हूं खलीलुर रहमान कवर साहब की सर कैसे हैं और क्या चल रहा है आजकल <coughs> आजकल ऐसा चल रहा है मैं मंटो नहीं हूँ स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो रहा है अरे वाह और इन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जून इट विल बी ऑन सेट वाह 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 तो मैं मंटो नहीं हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कभी भी नहीं बताता <laughs> अपनी <laughs> अपनी बीवी को नहीं बताता अरे

इस बात <laughs> सर, किसकी इतनी जरूरत खलील रमान कमर घर के गेट के बाहर हूँ okay. अंदर तो मैं मुलाजिम हूँ उनका बल्कि मुलाजमो की ज्यादा इज्जत करता है oh, 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 oh. <laughs>

वही जब वो जो घर में मर्द बनते हैं ना जी तो बाहर वो दो मिलाया करते हैं <laughs> <ना>। <laughs> ये तो बड़ी जिमनी सी बात होगी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लिखना कब से शुरू किया सर सेवन ईयर आई वॉज सेवन ईयर्स सात साल के थे हाँ और पहला शेर हुआ था बेसिकली आई एम ए पोइट ड्रामा मैंने शायद दो चार महीने बाद लिखा हो या साल बाद लिखा हो अच्छा लेकिन बुनियादी तौर पर आई एम ए पोइट

आई एम नॉट ए राइटर मुझे जो वो देता है Aha. वो एक मुंशी की तरह लिख देता हूँ क्या बात है? तो अब सात साल के बच्चे की क्या औकात होती है खूबसूरत बात तो किया। वो उसकी मेहरबानी थी वो चल रही है और मैं चल रहा हूँ अच्छा <laughs> <laughs> आप के बारे में एक बड़ा अजीब सा इम्प्रेशन दिया जाता है कि बड़े गुस्से वाले हैं बड़े सख्त मिजाज हैं बड़े सीरियस हैं लेकिन मैंने आपको बिल्कुल मुतरद पाया है आप बहुत केयरिंग हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं आप वालहाना इजहार करते हैं उस बात का तो ये इम्प्रेशन क्यों दिया जाता है आपके बारे में सर वो जो मोहब्बत मेरी मोहब्बत को डिजर्व नहीं करते है, वो ये यही <laughs> <laughs> यानी कि मेरी मोहब्बत को डिजर्व करने के लिए आपको ऑनेस्ट होना आपका बड़ा जरूरी ओके okay. आप हराम कमा रहे हैं आपकी जरूरत है अगर मुझे पता चल जाए तो आप मेरे साथ बैठ जाए अच्छा आई विल नॉट सेट विद यू ओके आप अपने इख्तियाराजायज इस्तेमाल कर रहे हैं आप मेरे साथ बैठ जाएंगे या मुझे आकड़ के दिखाएंगे आपकी ऐसी अच्छा। तो सब... मतलब हो दोस्तिया होना बड़ा फर्क होगा तो ताल्लुका तो मेरे साथ जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है उससे मेरे ताल्लुका मेरा इश्क है बिल्कुल है तो वो जो दोस्ती तुम अच्छी तरह समझती ये बताएं कि आप अच्छे खासे रोमांटिक इंसान हैं। oh, तो है। yes, तो जो सीरियल्स आप लिखते हैं सर उसका हिंट इतना सैड क्यों होता है ये सवाल ना मैं आ, एक वॉइस ऑफ अमेरिका इंटरव्यू कर रहे थे मुझे एक लड़की इंडियन थी वो हिंदू थी तो उसने मुझे सवाल किया कि खलीसा वाई ऑलवेज सैड एनिंग मैंने कहा वॉट इज सैड एनिंग

ये आपके ही अर्थ गेट कहीं होते हैं क्योंकि आप आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह देखो uh, मैं आपको बताऊं मेरा जो अगर ड्रामा तुम गौर से देखो ना इट्स अ मिक्स ऑफ टू थिंग्स क्या हो रहा है हुँ. और क्या होना चाहिए ओके okay. इसका मतलब है कि आई नो दिस प्रॉब्लम्स एंड आई नो द सॉल्यूशंस हम हम यू गेट इट तो वो किरदार मेरा मैंने किताबें नहीं पढ़ी मैंने चेहरे पढ़े वाह और खुदा की कसम चेहरों से बड़ी किताब कोई नहीं कोई नहीं होती क्या बात है बिल्कुल तो जिन करेक्टर्स को मैंने ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर लिया का मतलब होता है मैंने कर लिया वो रहे मेरे अंदर उनके निकलने का वक्त वो उसने तय किया सही यू इट या लेकिन वो जो मेरा एक सबक था वो मैं याद करके आया हुआ था वाह तो वो जब जब ऐसा कोई मौका आता है ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है पहले मेरे यहाँ मैसेज आता है जो मैसेज मैंने डिलीवर करना है

बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे मुझे उनकी लिमिट्स का भी मालूम है आ, तो जब मैं करेक्टर लिख रहा होता हूँ और जब उसका जो वोकल आता है हुँ, हुँ. फिर मुझे ये भी पता चल जाता है कौन एक्टर है जो उसके साथ इंसाफ कर पाएगा अरे वाह तो नॉर्मली चार पांच एपिसोड्स के बाद वो हम तय कर लेते हैं कि किसने करना अच्छा। so, चार पांच एपिसोड्स लिखने के बाद एक्टर के लिए नहीं लिखता

ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं उनको याद ना करूँ इसलिए मेरी भूख ज़्यादा नहीं है अच्छा हाँ मैं पानी का इस्तेमाल करते हुए इस कदर कॉन्शियस होता हूँ कि मेरी ज़रूरत से बल्कि ज़रूरत से कम पानी इस्तेमाल करता हूँ कि वो मेरे हाँ के गरीब लोगों को काम आ जाएगा क्या बात है तो ये अल्लाह मुझे इसका जर देगा और अल्लाह ये वाली चीज़ जो है जब हमारी कॉम में आ जाएगी तो हम, हम हमें सबसे पहले दो चीज़ें हमें बिलीव करनी होंगी दुनिया में कोई भी शख्स जो आया है उसके पास किसी भी तरह आपसे कम हक नहीं है जीने का बिल्कुल जब तक ये ईमान में दाखिल नहीं होगा आपके वाह आप कभी भी इंसान नहीं बन सकेंगे तो मैं इस बिलीफ के साथ जिया हूँ कि दुनिया में वो कहीं भी किसी मज़हब में हो किसी जात में हो किसी खत्ते में हो जो शख्स दुनिया में अल्लाह भेजा है उसके पास मेरे बराबर का या मेरा उसके बराबर का हक है जीने का क्या बात है क्या बात है सर सर सत्य तुम्हारे आपकी अपनी लाइफ की स्टोरी है आप सर इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे ये रोशनी जो है मेरे घर में मेरा अंधेरा कर देगी <laughs> <laughs> लेकिन उन्हें मालूम तो है ना थोड़ा ना, सा कुछ बता दे वो जब जब इसका जिक्र होता है तब तक मुझे मार तब तक मुझे मार मार पड़ती मार <laughs> नहीं ये मेरा चाहिए तो कभी भी नहीं चाहिए कि आपको मार पड़े लेकिन अब जाहिर है ऑडियंस जो है अरे आपके चाहने चा, ना चाहने से क्या होता है <laughs> हाँ ये भी बात है ये भी बात है लेकिन सर आ, थोड़ा सा बता देंगे तो हमारे लिए जरा uh, that is the, 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 the truth is this that is la ilaha illallah muhammadur rasulullah 2000% ट्रुथ ऑफ माय लाइफ जो उस ड्रामे में दिखाया गया 101% वाह उसमें वोकल थोड़ा चेंज होगा हां करेक्टर के नाम भी आ, 99 वही है। क्या बात है, क्या बात है? जो किया जाता है, वो सब सही है और ये जरूरी नहीं होता कि जो आप स्क्रीन्स पर देखते हैं कि कि है, तो ये हकीकत नहीं है कुछ आप मेरा ड्रामा आप रिलेट क्यों कर जाते है? तो हैं इस वो हकीकतें हैं लोगों के ऊपर बीता हुआ होता है या मुझ पर नहीं बीता तो किसी और पर बीता और याद रखिएगा आशा मैं हमेशा कहा करता हूँ If if, I am a a writer, and that's a big if, yes, तो राइटर से बड़ा चोर कोई नहीं होता Aha. वो लोगों की चुराता है। क्या बात है? क्या बात है? अगर आप अपने तजुर्बात लिखें, तो आप ज्यादा से ज्यादा के तुम्हारे लिख सकते हैं तो मेरे यहाँ जो ऑब्जरवेशन है वो लोगों का है मैंने लोगों के दुख में रोया हुआ आदमी तो मुझे मैं उनके गम को उस तरह फील कर लेता हूँ जैसे वो जी रहे होते हैं उसको अरे उनके पास वो कहने के लिए लफ्स नहीं वो अल्लाह ने मुझे दिए हुए हैं जैसे खलील साहब ने कहा कि राइटर एक चोर होता है हम आपसे खलील साहब को चोरी कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक पर जाएं और वापस आ जाएं जल्दी से चॉकलेट टाइम्स में मैं पाकिस्तान गई रे हाय ख्वाबों में मैं पाकिस्तान गई रे इंडिया में बोले साढ़ी जान गई रे 只。 छुप छुप भर के उड़ान गई रे लड़के भटिंडे के जवान गए रे इंडिया में बोले साढ़ी जान गए कभी, कभी किसी एक्टर की ना लाइन चेंज कर ले <laughs> <laughs> मैं जो पहले मैं मैं। मैंने मैंने गाने से से माफी मांग ली थी गलती हो गई हमारे वो थोड़ा था एक, एक गाना था था तो इतना नहीं पाई नहीं दिखाया जा रहा

तो इट वॉज ऑफ आइटम नंबर बट इफ यू वॉच द फिल्म मेरे यहाँ बड़ा लिहाज रखा जाता है बिकॉज आई निलीव इन शोइंग नो वे मेरे यहाँ तो ये पेड़ नंगा करना भी बड़ी इजाज़ा ली जाती है मुझसे कि गाना है चलो फिल्म है तो होता है ना गाना वो शादी ब्याह में गाते हैं वरना नो कॉन्सेप्ट आई जिस Work work on on the the script and 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 I I just just poetry want my um, director and producer should be thinking on within that limit. They you. do it. लोगों को कि इस तरह के कामों से फिल्में नहीं बनती तो इस गाने के साथ ये इसको चेंज किया जाए इसकी हाँ

वो दो तीन दफा मैंने गुस्से में किए गुस्से किएस लेकिन जब मैं आया प्रोडक्शन में आया तो मेरे पास वक्त ही नहीं था तो एक ड्रामा था मेरा लंडा बाजार जहाँ से बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग में भी ये हुआ कि मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा था और मेरा वो दूसरा सीरियल था तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त और बड़ी वंडरफुल एक्ट्रेस मारिया वास्ती उसने मुझे जुगत की खलील साहब कैमरे के पीछे बैठ के इंस्ट्रक्शन देना बड़ा आसान है कैमरे के सामने आके काम करना बड़ा मुश्किल है तो मैंने एक लड़के को बुलाया हुआ था मैंने कहा यार बैठ यार, hmm. तबीयत साफ कर लूँ फर्स्ट टाइम आई एपिसोड्स तो दैट वाज सो व तो उसके बाद फिर मैंने ये लंडा बाजार आया तो आई वॉज नॉट रेडी टू वर्क इन द प्ले एट ऑल एज एन एक्टर एक मेरी टांग कराची में होती थी लाहौर में होती थी तो हुआ ये कि नाइनटीन एपिसोड जब जो ख़त्म हुआ तो उसमें एक ऐसा इंसिडेंट मैंने वो प्ले साथ बनता था हे, हे. जुम्मे को हम प्ले चलता था हफ्ता बार छुट्टी होती थी हमारे पास आगे कुछ नहीं होता था और हम पीर को शूटिंग शुरू करते थे और नॉर्मली मैं सारे एक्टर्स को बुला लेता था सेट पर होते थे और सब इंतज़ार कर रहे तो थे जैसे कुरान दाजी नहीं हो रही किसका सीन दिखाया आई लव माई एक्टर्स फॉर देट मैटर उन्होंने मुझे बहुत ये ट्रस्ट किया और इज्जत दी और ट्रस्ट में कि मैं भी उनके ट्रस्ट पर पूरा उतरा तो हुआ ये कि मैं वो एपिसोड लेट हो गया या लाहौर में तूफान बाद आया और लाइट चली गई खंभे खड़ गए तो मैं अब इंतज़ार कर रहा था कि ये किसी तरह पहुंच जाए हेडकोार्टर्स तो मैं सो जाऊं हम पचास घंटे से जाग रहे थे तो मैं अपने ऑफिस में ही था और मुझे नींद आ रही थी और आई वॉज वेटिंग के ये उन्नीसवा एपिसोड जो है वो आ जाए अब और फिर उसके बाद मैंने सो जाना था तो जब मैं उन्नीसवा एपिसोड आया तो मैं सोने लगा तो दिलावर मलिक आ गया भाजी तो सौ कि सौ कितने कि तो तुम्हें पता तुझे की है इस एपिसोड से मैं क्या कहते हैं आपने मेहर चिरा को गोलियाँ मरवा दी हैं तो आप एक उसके बेटे का जिक्र करते हैं जो गांव में है मैर हु तो मैंने इसी तरह चला देना था तो वो नहीं आएगा बाप की गोली लगने पे मैं उठ के बैठ गया घंटे के जागे गए आप फिर उठ हम कुछ चार घंटे डिस्कशन करते रहे हम मुख्तलि एक्टर्स का नाम लेता रहा कोई मान ही नहीं रहा वो इतना ही उनके पास हक था मेरे मेरा छोटा भाई मेरा असिस्टेंट था तो करते करते मैंने कहा चलो बाकी की शूटिंग तो करो ना उतनी देर में अरेंज करता हूँ तो दो दिन बाद ये मान गए नुमान इजाज के ऊपर ओके okay. तो नुमान उन दिनों आया करता था मेरे पास कि यार मुझे कोई कर दे सीरियल लिख दे मेरे लिए हुँ. तो मैंने उसको बुलाया बुलाया तो मैं शूटिंग करके लेटा हुआ था तो आके बैठ गया मैंने कहा यार इस तरह ना एक रोल यू विल डू इट विल मेक इट इवन बिग उसने ठीक है मैंने पैसे भी अच्छा उस वक्त उसके पास काम वाम भी नहीं था तो उसने जो पैसे मांगे उस बाबर अली सुपर स्टार था मैं उसको सोलह एपिसोड के जितने पैसे देता था उसका एक, था एक तो था उसने मांगा एक एपिसोड का मेरा हादसा निकल गया <laughs> जवाबन वो भी ऐसा तो अच्छा इससे पहले मेरे मेरा भाई मुझे कह रहा था और दिलावर मलिक कह रहा था कि आप ही खुद करो या, आप करो मैं क्या कर मैं बीइंग प्रोड्यूसर राइट मुझे राइटर मुझे तो दुगना करना पड़ेगा तो मुझे ना उसने जुमला कहा तो मैं हम दोनों हंस रहे हैं

मैं आखिरी कोशिश कर रहे थे सलीम शेख को वहाँ से बुलवाने की कराची से उसका प्रोड्यूसर होने लग गया फिर मैंने ना बारह बजे रात को सारा स्टाफ वहीं था तो मैंने देखा पूछा कि मूँछ लेके आओ अपने मेकअप आर्टिस्ट को कहा मोहम्मद अली को वो लेके आया तो मैंने मूँछ लगाई मैंने शीशे में देखा मुझे लगा कि मैं रुकम है मैंने कहा देखो यहाँ शलवार कमीज पढ़िए कोई ऑफिस में तो मेरा असिस्टेंट कैमरामैन था भोला उसने कहा सर कमीज़ है कि शलवार नहीं है मैं कहा तो ले तो मैं शॉर्ट शॉर्ट पहन के बैठा हुआ था तो वो जो पहला सीन है वो मैंने शॉर्ट पहन के शॉर्ट नजर नहीं आई कमीज के के थी तो वो हमने ऑफिस में शूट किया है, कमरे में हाँ। मैं अपना वसीमा बास के साथ और वो जब मैंने देखा अभी एडिट करके सामने तो इट वाज लुकिंग टू बी हुकम उसके बावजूद मैं चाहता था तीन चार एपिसोड के बाद इसको मैं फारग कर दूं अच्छा लेकिन हुआ ये कि उस दौरान में ईद आ गई तो मैं बच्चों के ना शूज़ लेने के लिए गया बाटा और सर्विस की दुकानों पे यके बात दीख रहे। सही। तो तुम्हें पता बाटा और सर्विस कभी रियायत नहीं करते ना ना, ना। उन्होंने मेयर रुकम की वजह से मुझे रियायत की फिर <laughs> मैंने कहा नहीं भैया हम जा रहे एक छोटी सी ब्रेक पर आपने कहीं नहीं जाना हुआ कमिंग बैक क्या आप देख रहे हैं मेरे मेहमान चाय की चुस्कियां ले रहे हैं यकीनन आप भी अपने चाय के मग के साथ कैमरे के उस पार बैठे होंगे लेकिन इन हरी मिर्चों के बारे में सर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्यों पड़ी हैं तुम भी सोच रही होगी क्योंकि तुमने हमारा प्रोग्राम नहीं देखा इसलिए हमारे नाज़रीन जानते हैं कि ये अब यहां पर क्या होने वाले मैं मुझे लगा जैसे मेरी बेगम भी डांट आपने ना यहां इकट्ठी करके रखी अच्छा जी हम जो अब सेगमेंट करेंगे सर वो है ट्रूथ एंड डेयर हम आपसे कुछ सवाल करेंगे अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम मजबूर होंगे आपको ये कहने को कि हमारी तरफ फिर से आपको रखनी नहीं चाहिए <laughs> <laughs> <जो>, ट्रूथ <है, laughs> आ, वो तो सच बोलते हैं ना वो तो वेरी गुड हमें शक निमरा पे था कि निमरा जो है शायद सच बोलने से परहेज करेंगी लिहाजा आपने इनके लिए यह रखी है सर पहला सवाल आपसे है इंडस्ट्री uh, में किस सेलिब्रिटी पर ये मुहावरा जो है या ये जो जुमला है ये फिट बैठता है ओवर कॉन्फिडेंट खातून या मर्द दोनों में से कोई भी या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इतने हैं कि नाम ले सर मोस्ट ओवर कॉन्फिडेंट का नाम एक मर्द का ले ले एक औरत का लेना इमरान इमरान जो भोला है अशरफ अशरफ अच्छा और लड़की खातून लड़कियां हैं कि तो सोच सकती वो सोनिया हुसैन सोनिया हुसैन इमरान अशरफ सर कहते हैं कि वो दोनों ओवर कॉन्फिडेंट हैं कौ? आपके हिसाब से सिंगिंग इंडस्ट्री में ओवर कॉन्फिडेंट कौन है ओय oh ल मैं मेरे में जैसा हौसला नहीं जी, जी, जी। <laughs> फिर ये हौसला करना <laughs> है <हाँगे। laughs>

एक प्रोजेक्ट किया था वो भी मैंने जिंदगी में इसके बाद तो किया तो फिर आप सिंगिंग में ही बता दें। थोड़ी की <laughs> एक, एक किया था मैंने, अच्छा, अच्छा।, अच्छा। okay. <laughs> <laughs> खा, खानी पड़नी है अगर मैंने बख्शना नहीं सच बोलने की बजाय हरी मिर्च खाना तोते की तरह जो है वो पसंद किया है और लग गई है लड़की को मिर्च सर जस्ट शो ऑफ जस्ट शो ऑफ आप किसे समझते हैं खातीन में तू मेरा ख्याल अगली भी तो दिखाणी है ना मैं जब सवाल करती है मेरी तब निकल जाती है तभी जान अब मेरी मारी में क्या होगा मर्दों में दोनों में सर खत एक्टर्स में डायरेक्टर्स में प्रोड्यूसर्स में जिन जो भी आप समझते हैं इंडस्ट्री में जस्ट शो ऑफ है तो मुझे याद याद आ आ रहा रहा है उसका नाम नहीं मुझे ओके okay. लेकिन मैं एक्टर भी बता देता हूं। ठीक इतने सारे है, सर सोच रहे हैं कि हा, किसका नाम हा, हा, ऐसा नहीं है मुझे नाम नहीं याद मैं सोच रहा हूँ काम नहीं करना काम नहीं करना वाह क्या बात है सर नॉर्मली शो आप वाले एक्टर को मैं घुसने नहीं देता ना हूं ये ना आम आम द स्टैंडर्ड हां नहीं 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 ये तो मेरे कांसेप्ट की कोई नहीं है सही मैं वहां mm -hmm. पे तो मुझे वो बड़े और ध्यानंदारी से अपने काम के साथ कमिटेड लोग चाहिए होते हैं हम hmm. ah. ये स्किप करते मैं जवाब दे दूं मेरे सवाल का अच्छा इस पर हम वापस आते हैं हम ah. आपकी तरफ बढ़ रहे हैं जस्ट शो ऑफ कौन है <laughs>

डायरेक्शन में म्यूजिक <laughs> डायरेक्शन <music direction> में <laughs> <laughs> बहुत ज्यादा बताओ जल्दी <laughs> से <laughs> नहीं बता सकती बहुत है अच्छा हाँ दो गई यार अपने पेटी भाइयों के बारे में इतना सा नहीं बोल सकती ये बोलू मैं ये <laughs> <गे> बोलू मैं <laughs> अच्छा बोलूंगी ना बुरा नहीं बोल सकती मेरी मेरी, मेरी मजबूरी है <laughs> अच्छा निमरा मेहराबाद में जाके पैर पकड़ लेगी जल्दी जल्दी साथ बोल दे <laughs> ऐलान करा कि से, मिर्चों से बचने के लिए साथ हाँ साथ हाँ, हाँ, मैं मर, हाँ ये ये ठीक है ये अच्छा मैं मर, मिर्चों से बचने के लिए कह रही uh, uh, मुझे, uh, तो <laughs> uh, maybe, अगर आपको सही लगता है तो जफर ओके हैं

अभी ठीक हो गए होंगे वो हो भी गए हैं शायद तो नवीन नौशाद साहब वो बहुत अच्छे तो अच्छा म्यूजिक बनाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं बट मुझे लगता है को वो थोड़े सा अकड़ू ऐसा ओके okay. मेकअप की दुकान ये ठीक करी ओके okay. वो जरा उसका दिमाग थोड़ा खराब हुआ नवीद नौशाद साहब की बात मेरे सामने नहीं होता मेरे दोस्त का बेटा है जाहिर सी बात वो लपड़ खाएगा <laughs> uh, मैंने सुना है मैंने बहुत सारे सिंगर से मुझसे ये कंप्लेंट की इट इज नॉट शी ओनली ओके सर मेकअप की दुकान कौन सी एक्ट्रेस है जो कभी आप मतलब उसका असल चेहरा आपने देखा ही नहीं है मेकअप mm -hmm. ही मेकअप है नहीं yeah, ऐसा मैं तो सबके चेहरे देखे हुए हैं मेरी बात कौन है, <laughs> है बस कर, कर दे, 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 दे।, दे लेकिन सर बताएं तो सही <laughs> ना मेकअप की दुकान तो मेकअप की दुकानें बड़े हैं किसी एक का नाम एक, देखो एक का नाम लू तो लगता है ये आप सबा... दो तीन का लेते आ... आ... क्या नाम है नई एक्ट्रेस तो? में फिर बात आ जाती है मैं हमेशा बात करूंगा अपने तजुर्बे की हमें उतना जितना मेकअप चाहिए होता है उतना ही करवाते सही तो वो आप हमें करके तो दिखा नहीं सकती कि लो आ, मैं ना करके आ गई तो दिखा लो शूट की है। आप तो ये मेरे एक्सपीरियंस में में। नहीं। बिल्कुल। आपके सवाल इसके इन, साथ। इनके लिए सिंगिंग अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सिंगर्स इतना ज्यादा नहीं करती मैंने नहीं देखा ज्यादा नहीं देखा मैंने सिंगर वो बोला बहुत सीनियर आपको किसी दोस्त के साथ कभी आपने कोई प्रैंक किया कोई ऐसा मजाक किया हो जमाना तालब इल्मी में या बाद में भी आप में शरारत तो होगी ना सर तो बहुत करता था लेकिन प्रैंक नहीं करता था अच्छा तो सबसे बड़ी शरारत जुगत करते थे सर uh, सर कोई ऐसी बता दे। <laughs> <laughs> सर <में> जाएगी जाएगी। <laughs> से वो से मैं ना मेरा एक, पढ़ता भी था सीनियर था वैसे वो बैंक में आज उसको पता चला गया कि उसने क्या गंद घोला था <laughs> तो हुआ ये पहले हम इकट्ठे रहते थे <laughs> अच्छा मीरपुर आजाद कश्मीर <laughs> में नेशनल बैंक में था उस वक्त फिर मैं शिफ्ट हो गया एक दूसरे घर में तो एक दिन मैं और मेरा एक और कलीग याकूब हम दोनों घर गए आने पर किया हुआ था तो मैं चूंकि वहाँ ढाई तीन साल रह के गया था तो मैं बैठा हुआ तो उसने दोबारा तो कर लेना दो ले काट के उसने, को, उसने कोल्ड दी तो वो बच्चों के गिलास नहीं होते जो छोटे छोटे छोटे, छोटे।, छोटे। हालांकि शौकीन नहीं था कोल्ड ड्रिंकिनुसा गया

आपको फ्रिज तो नहीं खोलना आता क्या होता है मैंने कहा अच्छा खोल के दिखा उसे खोल के दिखा मैंने कहा तुम्हें बोतल तो नहीं निकालनी आती कहती आती है मैंने कहा निकालो जरा <स्थाँगा> तो वो दो लीटर की नई नई आई थी हाँ जी उसने इस तरह उसको हग करके ना बाकायदा जफ्फा डाल के तो वो बोतल ले आई अच्छा तो उसके आने तक मैं और यकूब सारी <स्�> पी हुए थे तो जब हम आखिरी पैग पी रहे थे ना उसका तो इतने में एंटर हुआ वो मैंने कहा यार वो पहला जब तूने मुझे चखने के लिए दिया ना मुझे बहुत अच्छा लगा <laughs> चखने के लिए <laughs> चखने के लिए दिया बहुत अच्छा क्या बात है चखने के लिए दिया कोल्ड ड्रिंक तो वो बहुत अच्छा भी, लगा वी ड्रैंक ऑल टुगेदर ऑल द बोतल बहुत अच्छा किया वेरी गुड अच्छा जी आपने कोई दोस्तों के साथ ऐसा प्रैंक किया हो हमने बहुत किया कोई ऐसा प्रैंक जो जानलेवा किस्म का प्रैंक

वो थे ऐसे कि आपने चला के उसको फेंक देना थोड़ी देर बाद वो फट जाता है माचिस बमचस बम अच्छा <laughs> <आ, माचिस> बम। <laughs> बम। वो था अच्छा मैं क्योंकि घर पे मेरी बिल्ली होती थी बड़ी क्यूट सी तो वो उसको आदत होती थी घर से बाहर निकल जाती थी तो इधर उधर घूमना हर चीज जाना तो हमारे घर के साथ जो घर था वहाँ पे बच्चे रहते थे अच्छा तो सामने भी घर थे एक दो न मार्केट थी आसपास में सारी तो सबको लगता था कि मैं मुझे ना अभी शरारत सूझी मैं ऊपर गई मैंने जाके निकाले कभी उसके घर फेंक रही हूँ कभी उसके घर फेंक रही हूँ तो कुछ टाइम बाद ना लोग इकट्ठे हुए कि आते कहां से है अब मेरे को तो शक जाएगा नहीं क्योंकि मैं अकेली बा, माँ बापा की मतलब अच्छी खासी जवान इनके घर तो एक लड़की है इनके घर कहां से होगा माँ बाप की शिकायत भी नहीं आएगी और जो साथ वाला घर था उनके घर में थे बच्चे वो थोड़ी देर गुजरी उनको ना शक हुआ कि इनके घर से आते हैं मैं फिर थोड़ी ठंडी होगी मैंने अपनी अम्मा को बताया मैंने ये काम कर दिया है कि नहीं अब नहीं करना अब अब छोड़ दो फिर थोड़ी देर बाद मुझे कुछ हुआ मैंने करना चाहिए ऐसे क्यों भी तो कुछ हुआ ही नहीं

और मैं और मेरे मेहमान बैठे हैं विराजमान होकर यहां और अब होगा एक छोटा सा रैपिड फायर सर आपसे होगा पहला सवाल मेरा सिंगिंग या एक्टिंग ओके राइटिंग या डायरेक्शन राइटिंग रूट जाना या मना लेना दोनों ठंडी आ क्यों भरी है पहले यह बताया मनाते जरा कम है <laughs> मनाते कम है लेकिन दोनों कर लेता हूँ आप अगर चूज करें तो आप रूठ जाना करेंगे नहीं मैं रूठ जाना चूज नहीं करूंगा मैं नॉर्मली रूटता नहीं हूँ चुप तो अच्छा। हो जाता हूँ और बस वो फिर मैं मान जाता हूँ जल्दी ओके आप खुद मान जाते हैं और मनाने में इतने अच्छे नहीं है नहीं क्विक हूँ क्विक है जब मैं बहुत देर कर दूँ तो मतलब आपने मनाना है अच्छा यानी भाई इन लोग उन लोगों इसका लो मतलब है कि यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग एब्सोल्युटली रॉन्ग मैंने उसमें फिर अब एब्सोल्युटली नॉट है, है।, है।, है आप खुद ही मनाना है हां फिर आप सही गलती आपकी है गलती आपकी है ब्रांड ऑब्सेस्ड है या absolutely कुछ एब्सोल्युटली नॉट <laughs> कुछ भी पहन लेते हैं कुछ भी पहन लेते हैं जो सज जाए जिससे जिससे सत्तर ढप जाए अरे वाह क्या बात कही है सर दिखावा या सादगी

मैंने देखा है है अभी अभी <laughs> हुआ सर इसका एक छोटा सा मुजहरा मैंने अभी देखा अच्छा सर ये बताएं प्यारे अफजल या मेरे पास तुम हो आई कैन नॉट प्यारे अफजल इतना बड़ा प्ले है हु, हु। मैं समझता हूँ उसमें मैंने वो लिखा जो जैसे मैंने वो मौलवी लिखा वो मेरा ड्रीम मौलवी है जो गाना भी गा रहा हो जो बीवी के साथ रोमांस भी कर रहा हो और जो मेरे दीन की हिफाजत भी कर रहा हो क्या बात क्या बात

अब लॉन्ग बॉक्स में बैठता हूँ वो जब टायर नीचे लगते हैं तो मैं रिजुविनेट री करता हूँ <laughs> <laughs> अच्छा, बल्कि फोन आता उसी वक्त मेरी बेटी का दुबई से फोन आएगा अच्छा, पापा लैंड कर गए इसका मतलब बाप जिंदा है <laughs> <था>। <laughs> वो जो अल्लाह माफ़ करे वो मैंने ढाई साल ट्रैवल नहीं कर पाया तो मैं मुझे दो दफ़ा कराची जाना होता था महीने में अपनी गाड़ी पर जाता था लव टू तो नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन 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 परसेंट में अकेला होता था अच्छा और शाम को निकलता था यहाँ से सुबह कराची वहाँ से शाम को निकलता था लाहौर कराची तो मैं उसके बाद मैंने ट्रैवल किया तो मैं जाके लैंड किया हूँ और जाके होटल अभी सोया हूँ तो मुझे मेरी बेटी का फ़ोन आया पापा आपने देखा क्या हुआ मैं क्या हुआ है तो उस दिन वो आ, पी वाला जो नहीं पी आई वाला नहीं एयर ब्लू का पिंडी में हिट हुआ तो

बिल्कुल। सर, सर, या light mm, light colours. Light colours? Mm. Okay. Sir, आप दिन का उजाला पसंद करते हैं या रात की चांदनी सदियां गुजर गई का, का अच्छा. रात की चांदनी चांदनी हो ना रात पसंद नहीं? है, okay. है किसी ने मुझे ढांप के रखा हुआ अरे वाह क्या बात है माउंटेन पर्सन है या बीच पर्सन माउंटेन

सर बचपन या जवानी। I wish I could live both of them। अगेन, आपने तो जीआई ना, जीए। आपने बचपन भी। मैंने, मैंने मेहनत करते गुजारते में गुजारते दोनों। अरे वाह दोस्ती या रिश्तेदारी? इसमें बड़ा मुश्किल सवाल किया तुमने मुझे। मैंने दोनों में ऐसे-ऐसे रूप देखे हुए हैं। कि बल्कि मैं समझ एक शेर सुना दूंगा उसको सफाई समझना जवाब ठीक एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी आहा। लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं अरे हाँ। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे आहा। तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं अरे वाह 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 बात क्या बात है निमरा तैयार हो जाओ तैयार सिंगिंग या एक्टिंग एक्टिंग तो आपने भी किया है ना सिंगिंग सिंगिंग एनी डे रूट्स जाना या मना लेना मना लेना हाँ हाँ ब्रांड ऑब्सेशन या कुछ भी चलेगा कुछ भी चलेगा दिखावा या सादगी मैं बहुत सिंपल हूँ वैसे नॉर्मल लाइफ में भी अच्छा मैं मुझ नहीं है कि बस ये भी करके रखो ये भी पहन के रखो ऐसा कुछ भी नहीं मैं मेकअप या विदाउट मेकअप विदाउट मेकअप ओके इमोशनल ब्रेकडाउन या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग डिड ऑन सिचुएशन लाइक अभी इवन दोन तो वो दोनों हैं लेकिन ज़्यादा पहले इमोशनल बीटम ओके उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग के देखी जाएगी देखी जाएगी अच्छा वाले हाना इजहार या खामोशी फॉर मैं तो बहुत एकदम से बस हाँ अच्छा है अच्छा है नहीं है नहीं है ऐसा अच्छा. यानी जो है वो है वो है अगर आपको चूज करना पड़े आपका पर्सनल फेवरेट प्यारे अफजल है या मेरे पास तुम हो मैंने मुझे दोनों बहुत पसंद है पर एक चूज़ करना

लेकिन पहले सीरत पहले सीरत पैसा या प्यार हाँ। <laughs> प्यार तो प्यार हाय तो फिर बता दो हुआ है किसी से प्यार हाँ सक्सेसफुल okay. है या ना मुकम्मल प्यार कभी अनसक्सेसफुल नहीं होता आई एग्री जब I आप, आप प्यार आपने किया है आपको अगले बंदे से कोई लेना देना, देना नहीं है वो कर वो रहा है या नहीं कर रहा है मैंने किया है मेरे लिए है वो पूरा है माशाल्लाह माशाल्लाह शायरी या फिर मौसीकी शायरी में आ, आ, मौसीकी में शायरी जो होती है लिरिक्स हो तो मौसीकी का दोनों तो में, में से कोई एक चीज अगर हो तो लव्स पहले शायरी पहले ओके okay. वरना मौसीकी का मजा नहीं आता ओके okay. वरना तो वरना तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी बंदा गा लेता हां <laughs> शायरी मैटर करती है लिरिक्स मैटर करते हैं गाने में वो पहले सही बात है वरना तो फिर खबरनामा भी गाया वरना तो खबरनामा भी गाया जा सकता है अच्छा ये बताइए कि ओएसटी या फिल्मी गाना दोनों <laughs> uh, फिल, ऐसे फिल्मी नहीं, गाया नहीं, तो में नहीं फिल्मी अभी तो नहीं गाया बट अच्छा। मुझे मैं चाहती हूँ गाना मैंने वो चीज गा ली है बट मुझे शुरू से जो पसंद था वो फिल्मी गाना okay. मेरी स... रोमांटिक मुझे लगता है, बहुत अच्छा गाऊंगी सर्दियों की धूप या फिर गर्मियों की बारिश गर्मियों की बारिश हर मौसम की बारिश अच्छा लाइट कलर्स या डार्क डार्क कलर्स डिजिटल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों मतलब मैं दोनों पे होती हूँ तो मुझे लगता है मैं दोनों में <laughs> एक चूज करना है लड़की एक चलो अभी डिजिटल कर लेते हैं अच्छा ठीक है आम, दिन का उजाला या नाइट आउट रात मेरी फेवरेट है रात आपकी है। फेवरेट है। आपकी भी फेवरेट है बचपन या जवानी जवानी हाय हाय <laughs> <Okay. laughs> दोस्ती या रिश्तेदारी दोस्ती मैंने रिश्तेदारों में बहुत हमने इवन दो मेरी मां-बाप की डेथ के बाद Uh, मेरे बाबा की भी रिसेंटली डेथ हुई है तो हमारे पे सबसे बुरा वक्त जो आया था वो तब था और मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो जो रिश्ते आपके वैसे बन जाते हैं ना खून के अलावा भी वो भी बहुत अच्छे हैं वो वो ज्यादा अच्छे हैं खून के रिश्ते बहुत बुरी मार मारते हैं अरे वाह खून के रिश्ते मार मारते वह, हैं वहाँ मारते हैं पानी नहीं तो जहाँ पानी नहीं मिलता हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पर आप पानी पीने कहीं मत जाइएगा Well done. Thank you, thank you, thank you. बल्कि yeah. well sung. हाँ, <laughs> well sung. Thank you so much. सर, इनसे तो हमने इनके गाने सुन लिए पर आपसे आपकी शायरी नहीं सुनी। कुछ ऐसा जो बस जो आपके दिल के करीब हो, जो आप चाहते हो। कौनसी शायरी नहीं जो मेरे दिल के करीब हो? शायरी की बात हो और दिल के करीब ना हो। ये क्या बात है? सर कुछ जब कोई प्यार में हारा होगा वाह टूटा एक सितारा होगा आहा जब कोई प्यार में हारा होगा टूटा एक सितारा होगा वाह शर्क में माफी मिलने लगी तो तुमसे इश्क दोबारा होगा अरे वाह क्या बात है सर ये तो सच नहीं है ये सच बोल दिए आगे सर आगे थोड़ा सा सच बोल दिए ओके मैंने प्यार किया था लड़की हम्म hmm. तुमने वक्त गुजारा होगा हाय 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 इस उल्टा भी करेंगे लड़के पर डालेंगे <laughs> मैंने, <laughs> मैंने प्यार किया था लड़के तुमने, तुमने वक्त, वक्त गुजारा होगा मैंने प्यार किया था लड़के तुमने वक्त गुजारा होगा सर ये देखिए बदलने से बात नहीं आती आपकी शायरी में अपनी शाम जरूर आती है मैंने कहा देखो फिर खड़े खड़े सामने नहीं मैं तो बिल्कुल सामने समंदर होगी तेरी आंख समंदर होगी हो मेरा ज़र्फ किनारा हो हाय हाय क्या बंदा एंडी कर दिए सर अच्छा आगे ये तो घर की बात है वरना ये तो घर की बात है वरना दिल को जान से मारा होगा हाय 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 सर क्या बात है वेरी नाइस थैंक यू

तो ये चीजें जो है वो ये आपको समझ आते आते आएगी तो आपने इसका दो नाम रखे हैं हैप्पी सॉन्ग और सैड सॉन्ग hmm. दोनों hmm. जब आपके देखो तुम्हें कोई डॉक्टर होता यहां, है यहाँ तो बताता हंसने और रोने में सेम मसल इस्तेमाल होते हैं तो बोथ आर एक्चुअलीस जब किस? आप रो लेते हैं यू गेट सेटिस्फाइड जब आप हंस लेते हैं तो ये तय करना भी बड़ा मुश्किल है मैं बता रहा था मैं वैशा से हाँ, बात भी कर रहा था कि जब आप ठीक से रो लेते हैं ऑल यू गेट सेटिस्फाइड इसलिए से आपको कहा जाता है जब आप कैथारसिस करते हैं जब रो ली जी तो सैडनेस इज पार्ट ऑफ लाइफ खाली हैप्पी तो जिंदगी बेकार नहीं लगता Seen, seen जिसने दर्द का मजा नहीं चखा उसने जिंदगी नहीं गुजारी yes. सर अब हमने हंसते-हंसते और आखिरी हमारे नोट्स हैं तो मैं आप आपसे चलते-चलते भी कुछ शरारत mm -hmm. ही करूंगी mm -hmm. इन सेलिब्रिटीज को अगर आपने अपनी फिल्म में कास्ट करना हो तो क्या रोल देंगे उल हक को अब्रारुल उल हक आई नो ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन बट उसे हीरो ऑफ अ गुड पंजाबी फिल्म हीरो ऑफ अ गुड पंजाबी फिल्म वाओ वसीम अकरम वसीम अकरम इज अ नोन एक्टर एक्टर ही नहीं है लेकिन अगर रोल देना हो उन्हें मैं किस का रोल दूं उसको मेरा नाम लिखा है अंदर <laughs> नहीं <laughs> दिखना <laughs> चाहिए <laughs> था वो गाना देंगे मैं उसका इतना इhtmराम करता हूं कि मैं उठ के कहूंगा बहुत शुक्रिया आपके, आपके आने, <laughs> <laughs> सर, आने का आपके uh, सर आयशा उमर क्या रोल है आयशा उमर के साथ मैं काम कर चुका हूं इसमें वो शी वाज इन द सेकंड लीड इन काफ कंगना जो मेरी रिसेंटली फिल्म है जी हम्म

बिल्कुल 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 सर मैं आप लोग दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप दोनों ने इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए हैं हमारे व्यूअर्स को जाते जाते आप एक पैगाम अगर दे दें सर तो हमेशा ये कहता हूँ इस मुल्क की बकायश में है कि आप हलाल कमाने पर ही मान आइए अरे वाह हाँ। क्या बात और निम्रा आप तो खुद छोटी सी हैं लेकिन मशवरा तो आप भी दे सकती हैं बताइए मैं मशवरा एक दफ़ा मैंने पहले भी एक चैनल में ये बात बोली थी और मैं दोबारा बोलती हूँ कि थोड़ी डिफरेंट है लेकिन मैं ये चाहूंगी कि कभी भी आपकी फैमिली मेम्बर में या कभी भी कहीं भी किसी का किसी के रिश्ता ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि मैंने सुना है कि ननयाल है तो माँ से है ददयाल है तो बाप से है अगर वो दोनों नहीं है तो रिश्ते तो रहते हैं तो नहीं रहते नहीं रहते जब लोग चले जाते ननयाल माँ की वजह से ददयाल बाप की वजह से इस रूल ऑफ गेम को हम कभी अंडरमाइन कर ही नहीं सकते मैं ये कहती हूँ ज्यादा ना से लेकिन थोड़ा बहुत एहसास रखो, रहता रहता होना, चाहिए, रखो। हर में होना चाहिए लेकिन सर ने बिल्कुल ठीक बात की जब वो लोग चले जाते हैं खाब जो रहता है इसी खूबसूरत आप बड़े ख्वाब भी देख सकते हैं लेकिन सर ने बड़ी प्यारी बात मैं आपको आज यहाँ जाते हुए ख्वाब देखने से पहले अपने औकात देखिए इतना ही बड़ा खाब देखिए जितना आप अपनी मेहनत से वहां तक पहुंच सकते हैं कभी खाबों का एहसान मत लीजिए हम आपसे ले रहे हैं छोटी सी इजाजत नेक्स्ट टाइम और आप हमारे फीडबैक हमें देते रहें हमें हमारे पेजेस के ऊपर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपका प्यार हमें मिल रहा है थैंक यू वेरी मच खुदाफे